हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? यूजीसी नेट पेपर वन की तैयारी कर रहे थे हम लोग। पेपर वन में मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया आप लोगों को, कुछ डीआई के भी पोर्शन हुए हैं। आज हम लोग को कुछ एक नया चीज़ पढ़ते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग में बाइनरी नंबर से कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में जरूर रहता है। बाइनरी नंबर से जो क्वेश्चन होता है उसको आज बहुत ही आसानी से ईजी ट्रिक के साथ बताएंगे, अब सबको समझ में आ जाएगा। अब बहुत शॉर्ट भी तरीका है, तो देखते हैं बाइनरी नंबर। डेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, दो ही डिजिट यूज करते हैं, 0 और 1। ओके, डेसिमल नंबर जो ऑलरेडी हम लोग 0 to 9 तक नंबर यूज करते हैं वो क्या होता है, डेसिमल नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी, मतलब डेसी नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्ट कैसे करना है। तो देखिए बहुत सिंपल, यहाँ यहाँ से लिखिए 1, इसका जस्ट डबल, 2, 2 का डबल, 4, 4 का डबल, 8, 8 का डबल, 16, 16 का डबल, 32, 32 का डबल, 64, आगे जहाँ तक जाएगा वहाँ तक अब बढ़ाते जाएंगे। ओके, अब कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया है नंबर है 14, इसको ये डेसिमल में लिखा हुआ है, 14 को हमको क्या करना है, बाइनरी में लिखना है। तो इधर से वो लिस्ट नंबर लीजिए जिसको ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो नहीं होगा, इस तीनों को लेंगे तो नहीं होगा, इस चारों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12, और ये क्या होगा, 2, 14। मतलब किसको यूज कर रहे हैं हम, इसको, इसको और इसको, ये यूज नहीं हो रहा है। तो जिसको यूज कर रहे हैं उसके जगह पर हम 1 लिखते हैं, ओके, और जिसको यूज नहीं किया उसके जगह पर 0 लिखते हैं। हो गया, मतलब 14 का बाइनरी नंबर जो होगा 1110। समझा बात? ऐसे कैसे, एक और नंबर 21, तो 21 का हमको बाइनरी लिखना है। तो यहाँ लेको मिनिमम किसको किसको लेकर के 21 को आ सकते हैं, यहाँ तक तो नहीं होगा, इसको लेना पड़ेगा, इसको, हाँ 16। अब यहाँ तक हमको क्या करना है, 20 क्या करना है, 1 करना है। तो 16 और ये 4 कितना हो जाएगा, 20, और ये 21। ओके, तो ये हम ले रहे हैं 16, 4, 20 और ये 21। तो जिसको हम लिए हैं उसको 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं लिए उसके जगह पर 0। ये 1, इसको नहीं लिखे तो ये क्या होगा, 0। ये 1, इसको नहीं लिए तो ये 0, और ये क्या हो जाएगा, ये 1। मतलब हमारा 21 को कितना हो जाएगा, 10101। बहुत आसान है, कोई भी नंबर और सोचिए। जैसे हमें 36 का बाइनरी में चेंज करना है, तो 36 में लीजिए, यहाँ तक लेंगे तो होगा, नहीं होगा, यहाँ तक भी जोड़ने पर क्या होगा, 36 नहीं होगा, देखने से पता चल रहा है, यहाँ तक लेना पड़ेगा हमको 36 के लिए। 36 के लिए ये तो क्या हो गया हमारा, 32 हो गया, 32 सबका और कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 4। तो हमको इस दोनों को ही जोड़ने पर क्या हो रहा है, हमारा ऑलरेडी हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर 1 लिखेंगे, बाकी ये 0 0 1 0, और ये सॉरी ये नहीं लिया है ना, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब 36 का बाइनरी नंबर जो हो गया 1001001। ओके, समझ में आ रहा है? चलो और कोई नंबर लो, सोचो, आज पूरा समझ में आना चाहिए। ट्वेंटी फोर को लिखा है। 24 हम लोग यहाँ तक यूज कर सकते हैं 24 लिखने के लिए। 16 4 20 नहीं होगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24, और ये, हाँ चलिए इस दोनों को ही लेने से हमारा हो रहा, तो ये यूज कर लिए, मतलब ये 1 16, और ये क्या होगा, 1, बाकी इस तीनों के यहाँ पर क्या बैठेंगे, 0 करेंगे। हो गया, इसका हमारा 1100000। समझ में, ये बाइनरी नंबर में चेंज हो गया आसानी से। कोई और नंबर सोचो, तुम लोग सोचो। चलो 30, मान लो हमको 31 को क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है।
31 को, तो कैसे खुद से जोड़ो, ये हमको यहाँ तक तो नहीं लेंगे, यहाँ तक ही कम 31 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 16 और ये 8 कितना होगा, 24, और ये 4 कितना हो जाएगा, 24 और 4 28, 28 30 और ये 31, सब सारे हो जाएंगे, मतलब 31 लिखने के लिए ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी और ये भी, मतलब 31 का जो हुआ कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 31 का, ठीक है। उसी तरह और कुछ लो, मान लिया 50 का हमें लिखना है, और 50 तक का लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा इसको, तो नहीं 50, चलो इसको इसको ऐड करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा, 32, और ये 16 तो नहीं लेंगे, 16 लेंगे तो ज़्यादा है, 32 और ये 8 कितना हो जाएगा, 40। अब हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो 10 के लिए नहीं इसको देना पड़ेगा हमें, 32 और 16 को लो, तो कितना हो जाएगा, 8 48 होगा, 48 और 2, चलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 32 16 और 2, इस दोनों को, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। चलिए इसका मतलब हमारा 50 लिखने के लिए ये 1 होगा, ये 1 होगा, बाकी ये 0, ये 0, ये 1 होगा, और ये क्या होगा, 0 होगा, मतलब 50 का बाइनरी नंबर क्या हो गया, 1 1 0 0 1 0, ठीक है भाई। 51 लिखना होगा, तो 51 लिखना होगा, तो कहना कि किसको लिए, इस इसको इसको और इसको लेने पर क्या हो रहा है, 50 पूर रहा है, तो ये 1 को ले लेते हैं, तो 51 के लिए 1 1 0 0 1, ये क्या है, 51। अब तो आप कोई भी नंबर को बाइनरी नंबर में आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, माइनस में बाइनरी नंबर नहीं होता, वो डायरेक्शन बताता है, कहीं भी अगर माइनस माइनस 35 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि वो क्या होगा माइनस में, नहीं, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है और कुछ मतलब नहीं, हमको निकालेंगे कि ना 35 का ही निकालेंगे, ओके। और 35 का निकालने के बाद, 35 का तो निकाल लेंगे आप लोग, चलिए 35 का निकालने के बाद वो लिख देंगे, ऑप्शन रहता है, एक और या दो क्वेश्चन जरूर होते हैं नेट के पेपर 1 में, हमेशा एक या दो क्वेश्चन इसे जरूर होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी भी है, समझ में आ गया होगा आप अब तक, आप लोगों को कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। तो चलिए एक निकाल लीजिएगा, 35 27 50 54, चलिए ये सब निकाल के आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे हमको। अब क्या करते हैं, चलिए इसका उल्टा चलते हैं, क्या करते हैं हम बाइनरी टू क्या करते हैं, डेसिमल करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, अब तक जो डिवीजन वाला जो ट्रिक अप्लाई करते थे आप लोग, वो बहुत ही ज्यादा लंबा ट्रिक है, उस ट्रिक को भूल जाइए, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए जो मैंने आप बताया, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से सारे क्वेश्चन क्या होंगे, बन जाएंगे, ओके। चलिए देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, जैसे कोई नंबर ले लीजिए 1 0 1 0, ठीक है 1, ये अगर मान लिया जाए कि कोई बाइनरी नंबर है, तब सिम उसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सिंपल वही वाला अप्लाई कीजिए, लिखिए 1 इसका डबल क्या हो जाएगा, 2 2 का 4, 4 का क्या है 8, 8 का 16, 16 का 22, 22 का 64, आगे इस तरह क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये जो यूज करेंगे हम लोग उधर से लेंगे, मतलब पहला है इसका मतलब क्या है 1 है, उसके बाद दूसरा नहीं है मतलब इसके जगह पर क्या होगा 0 होगा, 2 यूज नहीं करेंगे, तीसरा है मतलब 1 2 3, 3 के जगह पर 4 है, चौथा के जगह पर नहीं है, और ये पांचवा के जगह पर है, 1 2 3 4 5, 5 के जगह पर कितना है 16, चलिए इसको ऐड कर लीजिए, 16 4 20 और 1 21, ये 21 का बाइनरी नंबर है, समझ में नहीं, देखो एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, कुछ भी नंबर लो, 1 1 0 0
वन जीरो, ये देख लो कितने का है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब हमको यहीं तक आएगा। अब क्या, जिसके जगह पर जीरो है उसको छोड़ दो, पहला पोजीशन पर जीरो है मतलब ये एक नहीं होगा, दूसरा पोजीशन पर टू है तो मतलब टू होगा, हाँ ये टू हमको ऐड करना है, तीसरा पे ये नहीं होगा मतलब चार नहीं लेना है, ठीक है, और फिर चौथा पे जीरो है तो इसको नहीं लेना है, पांचवा पे है तो इसको लेना है, चलिए 16 एक प्लस कीजिए, छठा पोजीशन पे एक है मतलब इसको लेना है 32, सबको ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिए, 6 4 10 जीरो, 3 1 4 1 5, ये 50, 50 का बाइनरी नंबर है, समझ में। चलिए और एक कोई एग्जांपल लो, एक एग्जांपल 1100 पता करना है, चलो ये किसका बाइनरी नंबर है तो देखो क्या करेंगे, ध्यान देखो पहला दो पोजीशन का कुछ नहीं लेना है और तीसरा चौथा को ऐड कर लेना है, डायरेक्ट कर छोड़ो उतना नहीं, पहला दूसरा को ये को नहीं करना है, इस दोनों को लेना है, 8 4 12, ये 12 का बाइनरी नंबर है, ओके 1 0 1 0 1, ये देखना है किसका बाइनरी नंबर है, तो चलो देखो जिस जिस पर जीरो है उसको छोड़ देना है, बाकी सबको क्या करना है ऐड करना है, चलो 1 मतलब ये एक ऐड करना है, एक जोड़ लो, दूसरा नहीं ये मतलब इसको नहीं, चलो ये है मतलब 4, ये नहीं है ठीक है तो छोड़ दो, ये है ऐड करना, चलो 4 20 आएगी, 20 तो समझ में आया, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी बहुत आसान होता है कन्वर्जन करना, वो हाथ वाला जो ही प्रोसेस है उसको अप्लाई मत करेंगे, डिवीजन वाला जो प्रोसेस है डिवीजन कर करके जो अप्लाई करेंगे बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर या डेसिमल का बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं, अगर किसी भी नंबर में आपको डाउट हो रहा है, इश्यू हो रहा है कि हाँ इसका नहीं निकल रहा या इसका कैसे निकलेगा, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं उसको बताऊंगा कैसे निकलेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो, और इस अगर इसको आप आसानी से अगर समझ गए तो आपका एक या दो नंबर तो, एक या दो क्वेश्चन तो पक्के हैं, मतलब 2 या 4 नंबर आपके एकदम बिल्कुल सही होंगे नीट के पेपर 1 में, ओके। आज तक के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।